हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं मेजर रामा रघोबर राणे की, ठीक है। ये जो थे अपने टाइम में पहले लिविंग रेसिपिएंट थे परमवीर चक्र के। अब तक हमने दो जो पढ़े हैं उनको मरणोपरांत मिला है। ये फर्स्ट लिविंग रेसिपिएंट थे। इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और उसके बाद जो है वर्ल्ड वार सेकेंड जो था उसमें बर्मा में जापानीज इंकर्शन फेस किया था 1947 में, जब आज़ाद हुए उसके बाद ये इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। और उसके बाद जो है ये इंजीनियरिंग कॉप में थे, रेजिमेंट जो थी इनकी, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, झांगर को जो है कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, बाद में हमने उसको रिकैप्चर करा तो नौशेरा सेक्टर हमारे हाथ में आ गया था। उसके बाद इंडियन आर्मी जो थी राजौरी सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू हुई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स थे, माइंड फील्ड थे, ठीक है। तो उसको साफ़ करना था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेजर साहब किस में थे, इंजीनियरिंग कॉप में थे। तो इन्होंने जो है रोड ब्लॉक्स माइंड फील्ड को जो है काफ़ी हद तक जो है एरिया क्लियर करते रहे। तो जाहिर सी बात है एरिया क्लियर भी कर रहे थे और सामने से मोटार की शेलिंग भी आ रही थी। तो उस शेलिंग में क्या हुआ था कि दो जवान जो है शहीद हो गए थे, 5 को चोट लग गई थी। उस चोट लगने के बावजूद ये जो है अपना काम करते रहे और एरिया क्लियर करा। और जो छोटा सा जो इन्होंने एरिया क्लियर करा था स्टार्टिंग में, वहाँ से टैंक गुजरना शुरू हुए। बट दिक्कत ये थी, एरिया तो क्लियर कर दिया, सामने पाकिस्तानी आर्मी बैठी है, वो शेलिंग चला ही रही थी। तो शेलिंग चलाते रहे तो इन्होंने कुछ हद तक एरिया थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद जो है शेलिंग तो कंटिन्यू रही, उसमें इन्होंने 12 घंटे काम किया और फिर दोबारा से जो है रोड ब्लॉक्स और माइंस को जो है क्लियर किया। आर्टिलरी और मोटार की जो है पूरी की पूरी शेलिंग आ रही थी, उस बीच की ये बात है, ठीक है। और इन्होंने 12 घंटे में जो है पूरा एरिया जो है क्लियर किया। उसके बाद अगले दिन जो है इन्होंने फिर से जो है वहाँ पे क्या नाम है शेलिंग में जो है सड़क पे 4-5 चिनार के पेड़ गिर गए थे और काफ़ी सारे रोड ब्लॉक पे थे, तो उसको इन्होंने मात्र 2 घंटे में साफ कर दिया। और सामने से मशीन गन की फायर आ रही थी, उस बीच की ये बात है। और ये सारी की सारी जो इन्होंने चीज़ करी है ये मैं बता रहा हूँ 8 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल 1948 के बीच की, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन फिर से 17 घंटे इन्होंने काम किया, तब जाके वो एरिया काफ़ी हद तक जो है क्लियर हुआ। 12 घंटे एक टाइम, उसके बाद से 17 घंटे फिर, और बीच में 2 घंटे में जो है इन्होंने जो जल्दी में करना था वो किया। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे वहाँ पे जो बॉर्डर पे जो हमारे सिविलियन थे उनकी जानें बची। और उसके बाद जो है इनको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिला। इनकी जो भर्ती थी ना वो नायक की थी, ठीक है, नायक सोल्जर की। उसके बाद इनको जो है लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिला, बाद में ये फिर कैप्टन बने। और उसके बाद जो है रिटायरमेंट के टाइम आते आते ये मेजर बने, तो बाद में जो ये बने मेजर रघोबा राणे। तो ये है इनकी पूरी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।